बॉल इंडिया पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ के ऐलान के बाद लगातार 3 दिनों से विरोध की आग चल रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन लगातार जोरों पर है। हरियाणा के रोहतक में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने सुसाइड तक कर लिया है। विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार देर रात अग्निपथ स्कीम की एज लिमिट पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, लेकिन सवाल सिर्फ एज लिमिट का नहीं है। अग्निपथ के ऐलान के बाद वो 5 बातें मैं आपको बताने जा रही हूं जिससे नौजवान पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं, आगजनी करते हुए अलग अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं। 4 साल की तैयारी के बाद 4 साल की नौकरी और फिर बेरोजगारी, युवाओं के मन में यही उथल पुथल चल रहा है। कोरोना के नाम पर देश में भर्ती रैलियां नहीं हुई, लेकिन इसी दौरान बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां हुई हैं और चुनाव भी। फिजिकल और मेडिकल के बावजूद कम से कम 10 रैलियों को अधूरा छोड़ दिया गया, अब उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो अग्निवीरों की बिल्ले, बैज और चिन्ह समेत रैंक को भी अलग होगा। युवाओं को डर है कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। जिन 25% अग्निवीरों को आगे 15 साल के लिए चुना जाएगा उसको कोई साफ पारदर्शिता तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सवाल है जवानों के, नौजवानों के जो मन में उठ रही है। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो हिंसक प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है वो बिहार में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे ज्यादा हिंसा यहीं पर हो रही है। बताया जाता है कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा जो नौजवान हैं वो यहाँ पर जवान सीधे आर्मी में भर्ती लेते हैं। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि तीनों सेनाओं में 13.40 लाख से ज्यादा जवान हैं। आर्मी में 11.21 लाख, एयरफोर्स में 1.47 लाख और नेवी में 94,000 जवान और अफसर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2.18 लाख से ज्यादा जवान यूपी से आते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, यहाँ से 1.04 लाख जवान आते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि अग्निपथ योजना का बिहार में सबसे तीखा और हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। बिहार यूपी की भर्ती रैली में जुटते हैं 1 लाख नौजवान। 5 सालों से रैलियां घट रही हैं। इस साल अप्रैल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि देश भर में हर साल आर्मी के औसतन 90 से 100 भर्ती रैलियां होती हैं। 2020-21 में 100 से कम होने वाली थी लेकिन सिर्फ 47 हो पाई। वही 2021-22 में 87 रैलियां प्लान हुई और सिर्फ 4 हुई। कोरोना की वजह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ इसलिए भर्ती भी नहीं हुई। आंकड़ों से साफ है कि 90 से 100 भर्ती रैलियों के जरिए हर साल करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती है। इनमें से करीब 40% रैलियां यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में होती है। हिमाचल को छोड़ दें तो ज्यादा आबादी वाले इन राज्यों में होने वाली हर रैली में 1 से 1.5 लाख नौजवान हिस्सा लेते हैं। इस युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो पूरी तरह से इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है, एसएमएस सेवा जो है वो बंद कर दी गई है ताकि सोशल मैसेज ना जा पाए और छात्र इकट्ठा ना हो पाए। बताया जा रहा है कि अब तक अरबों का नुकसान ये जो छात्र हैं वो कर चुके हैं। ऐसे में अपील की जा रही है कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, ये संपत्ति आपकी है, इस संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो अग्निपथ स्कीम है क्या ये छात्रों को समझ नहीं आ रही है या सरकार नहीं समझा पा रही है,
और आगे जो भविष्य की बात नौजवान कर रहे हैं वो किस तरह से इनका सही हो सकता है, जो स्कीम आई है ये कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है किसी भी नौजवान के लिए। बीजेपी से डॉक्टर इंदिरा ज्योति हमारे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार। सबसे पहले इंदिरा ज्योति जी, स्कीम लेकर आए, स्कीम का ऐलान कर दिया, उसके बाद एज लिमिट भी बढ़ा दी, 21 से 23 कर दी, 4 साल की स्कीम है ये, इतना आग बबूला फिर नौजवान क्यों हो रहा है, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या आपकी सरकार जो है वो स्कीम समझाने में छात्रों को या नौजवानों को नाकाम साबित हो रही है? यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर आगजनी हो रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, खासकर कि बिहार में। सबसे पहले ये अग्निवीर या जो अग्निपथ जो सरकार योजना लाई है हमारे नौजवानों के, ये समझने की चीज है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी में उन्हें लगभग कोई 23 या 24 लाख रुपए उनको सरकार दे, कुछ वेतन के रूप में और कुछ रिटायरमेंट के बाद, तो इससे कहीं भी कोई भी नुकसान, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। और खासकर जो भड़काऊ लोग हैं, जो भड़का रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ा इको साउंड करिए, अगर आपके पास ईयरफोन है तो प्लीज वो लगा लीजिए, तो आपकी जो शब्द है वो स्पष्ट तरीके से मुझ तक पहुंच पाएंगे। सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? इंदिरा जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, थोड़ा इको साउंड हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। जी, ये अग्निवीर या अग्निपथ जो योजना भारत सरकार लाई है, भारत सरकार जो योजना लाई है, समझने का विषय है। लड़के जो है गुमराह किए जा रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा गुमराह किया। अदरवाइज ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और 4 साल मिला करके लोगों को 4 साल में 11,72,000 रुपए, रिटायरमेंट के बाद लगभग इतना ही रकम, टोटल मिलाकर 23,43,000, लगभग 24 लाख रुपए उनको मिलेगा। तो इसमें बुराई क्या है? और उन्होंने कहा है कि जो 10 लाख भर्तियां ली जाएगी उसमें 25% परमानेंट नियुक्तियां होंगी, तो 25% नियुक्ति अगर परमानेंट होगा तो 2.5 लाख नियुक्तियां परमानेंट होने जा रही है। सर देखिए, बुराई कुछ नहीं है, बस ये है कि इन छात्रों को, इन नौजवानों को ये स्कीम समझ क्यों नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है इसी वजह से आगजनी हो रही है। जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो सड़कों पर उतराए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो खुदकुशी कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ज्यादातर उन्हीं राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है। नहीं, सरकार बीजेपी की है, बट वहां विरोधी दल जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं। सर हर चीज का ठीक रहा, गुमराह कर रहे हैं जनता को, हर चीज का ठीक रहा विरोधी दल पर, गुमराह किया जा रहा है, सही नहीं है सर। अगर आप कृषि कानून लेकर आए थे, वो किसानों को समझ नहीं आया, 1.5 साल आंदोलन चला, उसके बाद अब ये स्कीम ले आए हैं आप, ये स्कीम भी नौजवानों को समझ नहीं आ रही है, क्या वजह है आपकी स्कीम में, ऐसा क्या है? या तो ये है कि सरकार को पहले से ही आना चाहिए, पहले स्कीम समझानी चाहिए कि स्कीम हमारी ये हो, उसके बाद इन सब चीजों को आगे रखना चाहिए। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो युवाओं को दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, एक बहुत बड़ा उपहार जो कि युवाओं को इस अग्निवीर योजना के रूप में दिया जा रहा है। और अगर इसको समझा जाए तो 21 साल की उम्र तक, इंदिरा जी की बात, जितनी उम्र पान की दुकान में और इधर चौराहों पर लड़के अपनी उम्र भटकने में बर्बाद करते हैं इन 4 सालों में, उसका उपयोग करेंगे। इंदिरा जी एक मिनट, संजीव जी, अग्निपथ स्कीम छात्रों को शायद समझ नहीं आ रही है, यही वजह है कि अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है, अरबों खरबों की संपत्ति को नुकसान ये छात्र पहुंचा चुके हैं, क्या ये छात्र ही हैं, प्रदर्शनकारी ही हैं, या उनकी आड़ में उपद्रव करने की कोशिश हो रही है, या वाकई स्कीम समझ नहीं आ रही है? मुझे वो जमाना याद आ गया जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी आरक्षण के दौरान इतनी आगजनी और इतना कुछ नहीं हुआ जितना आज हो रहा है, उस समय भी हुआ था, आज उसने भी वो भी रिकॉर्ड आज टूट गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
मतलब इनकी जितनी योजनाएं आई हैं शुरू से लेकर के आज तक, सब किसी भी विरोधी दल को पसंद ही नहीं आती, ऐसा क्या है? अरे आपको लेना पड़ा ना किसानों को, 750 से ज्यादा किसान जब हमारे शहीद हो गए तब आपने वो योजना काले कानून की वापस ली, क्या आप करते हैं? आपको एक एक नागरिक की जान माल की सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, और आपने 750 हमारे किसानों की बलि ले ली, और आप हमारे नौजवानों के ऊपर आप आ गए। नौजवान जो कि जो है 17.5 साल का है, आप कह रहे हैं 21 साल के तक, इस दरमियान 2.5-3.5 साल में हम आपको मौका देंगे 4 साल की नौकरी के लिए, आपने उसका जीवन का क्रीमी टाइम आपने उसको ले लिया, उसके बाद 4 साल के बाद आके करेगा क्या वो बाहर? आप कह रहे हो 25% को रिटेन कर लेंगे, बाकी 75% क्या करेगा? 75% 4 साल के दरमियान ये सोचने में लगा देगा कि कैसे हम अपने जो है जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है मैं उनको खुश रखूं और इस 25% श्रेणी वाली कैटेगरी में रहूं। तो आपने ये मतलब आदमी को आदमी से लड़ाने वाला हर जगह आपने कर रखा है। और दूसरी बात, जो सेना के प्रति जो हौसला अफजाई होती है, काम करने का जो सम्मान होता है, कम से कम 15-17 साल जो अभी चला आ रहा है वो रखना चाहिए। आपने पेंशन भी नहीं कोई उसके बाद दी, आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि ये करेंगे क्या 4 साल के बाद, इनका फ्यूचर क्या रहेगा? आपने सेना को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, आप अडानी और अंबानी के लिए आप फौज तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं, जो कि आपने देश बेच दिया इन लोगों को, और ये बाद में 4 साल बाद आकर के वहां से जब ट्रेनिंग लेकर के आएंगे 4 साल की तैयारी करके, तब आप इनको बड़े बड़े इन लोगों के यहाँ अडानी के यहाँ ये गाड़ी करेंगे आकर के, गार्ड बनेंगे आकर के। आपने मतलब इस भारतवर्ष का कितना बंटा धार कर दिया समझ में नहीं आ रहा है, और ये आपकी चरम सीमा है भाई, किसी को समझ में तो आना चाहिए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को समझ ही नहीं आती है। अरे हर चीज का पहले रिहर्सल होता है, पहले ट्रेनिंग होती है, पहले प्रस्ताव होता है, आपने कहां रखा ये प्रस्ताव? कहां रखा? किससे अप्रूव कराया? मर्जी आ गई आपने कर लिया। आप तो बने रहे 8 साल लगातार, आप 2 बार जो है प्रधानमंत्री बन गए, उनको 4 साल में आपको रिटायर कर रहे हैं, 4 साल के बाद वो कहीं के ना रहेंगे, ना इधर के ना रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। ठीक है संजीव जी, इंदिरा जी जवाब देंगे कि आखिर ये जो स्कीम आई है ये पहले से इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, नौजवानों से साझा क्यों नहीं की गई, एकदम से स्कीम आ गई, छात्र बिगड़ गए और इस तरह से आगजनी कर रहे हैं, कब तक संभाल पाएंगे? देश जल रहा है, कभी जुम्मे की नमाज पर जलता है, कभी नुपुर शर्मा के बयान के बाद जलता है, और कभी इस स्कीम के बाद जल रहा है। इंदिरा जी, तो इंदिरा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क का इशू है। संजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, सरकार कह रही है कि हम समझा रहे हैं, हमने एज लिमिट भी 21 से 23 कर दी है, इसका क्या फायदा? अरे अरे मैडम एंकर मैडम, ये जो आप बता रही हैं वो तो सिर्फ 1 साल के लिए किया है ना, अभी इसी वर्ष के लिए किया ना, कि कोरोना की वजह से 2 साल को बढ़ा दिया, आगे जो निरंतर आप प्रक्रिया अपनाएंगे इसके लिए क्या है? अरे अच्छा, कम से कम अगर आप कुछ ऐसा है इसको आप, हाँ ये जो छात्र कर रहे हैं, जो अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो ट्रेनों में आग लगाना हो, दुकानों को तोड़ना हो, स्टेशनों पर तोड़फोड़ करनी हो, आगजनी करनी हो, बसों को आग लगानी हो, क्या ये तरीका सही है? इसके सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके उनके, अगर आपने देखा होगा कोई भाषण देता है नेता, और नेता जब बात कहे, अरे सुनिए, एक मिनट मैडम सर, एक मिनट बात सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, रेलवे बिल्कुल है, सब हमारा है, सब कुछ हमारा है, सब हमारा है, तो तोड़फोड़ क्यों हम करेंगे सर? प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, जब कोई नेता कोई ऐसी भाषा बोलता है जो उकसाने वाली बात होती है तो फौरन पुलिस उसे अंदर कर देती है कि साहब आप उकसा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, देश ने आपको बिठाया है, हम लोगों ने आपको बिठाया है, आप ऐसी स्कीम क्यों लाते हैं जो कि लोगों का जो है खून खौला रही है, हमारे नौजवान साथियों का, भाइयों का, बहनों का, तो आप क्या कर रहे हैं? इनके भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए,
जिस किस्म के इसके सीधे जो तोड़फोड़ है सारे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं, जो तोड़फोड़ कोई कर रहा है ड्रोन से आप नजर रखते हैं उसका घर गिरवा देते हैं। अब किसका घर गिरवाएंगे? प्रधानमंत्री जी का गिरवाइए, इनको इनको सड़क पर लाइए, इसके सीधे जिम्मेदारी है। जब उनके कहने पर उनके आप आते नहीं है, वैसे तो आप रात को 8 बजे आ जाएंगे, देश को हम संबोधित करेंगे, आपको आना चाहिए, ये आगजनी हो रही है, आपने आकर के संबोधित किया, बोलते कि भारत के प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित करेंगे 8 बजे टेलीविजन में आकर के, आप जब जाकर जरूरत होती है आप दिखाई नहीं पड़ते हो, चुनावों का मौका होता है आप हर जगह प्रधानमंत्री के चुनाव से लेकर के संसद के चुनाव से लेकर के सभासदों के पार्षदों के चुनाव तक आप हर जगह नजर आते हैं, आप जब आपको जरूरत होती है कि आपकी आवश्यकता है कि आप आइए संबोधित करिए, आप कहीं नजर नहीं आते। राजनाथ सिंह जी भेज रहे हैं वहां पर, जनरल वीके सिंह साहब आ रहे हैं, तमाम अधिकारी आ रहे हैं। अरे चुनाव का मौका होता है तो तमाम दूसरे नेता है वो थोड़े जाते हैं, आप ही जाते हो, अगवाकारी करते हो आकर के, आप को करना चाहिए। और नहीं तो मैं ये बता रहा हूं, ये नहीं होगा तो आने वाले दिनों में इसका सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे, इनके ऊपर मुकदमा जैसे दूसरे देशों में होता है मुकदमा चलाया जाना चाहिए इनके ऊपर। और इस किस्म के हमारे भारतीय छात्रों की सारी बात से मेरी सहमति, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि गलत है, प्रधानमंत्री की गलती है सारी, क्या हम सारी मैं और आप देश के नागरिक हैं, अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती जो सरकार के द्वारा की जा रही है, तो क्या मैं दूसरों के घरों में आग लगा दूं, क्या मैं जाके ट्रेन में आग लगा दूं, या मैं स्टेशनों पर तोड़फोड़ कर दूं? अगर आपके घर पर ये छात्र पत्थर मारेंगे तो क्या ये गलत नहीं है? शांतिपूर्वक तरीके से अपना किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इस तरह से हमारी पार्टी, हमारी पार्टी के राज्यसभा सदस्य है संजय सिंह जी, उन्होंने भी अभी अपील की है कि नहीं छात्रों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं स्वयं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही आता है, आप बीपी समझती है ना, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है जब आप सामने वाला उकसाता है, एक मनुष्य है यहाँ पर, अगर अस्पताल सब बंद कर दीजिए लोग बीमार ना पड़े, बीमार पड़ते हैं, बीपी बढ़ता है, इलाज होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है, आप कैसे इसको रोक सकती है? अरे अगर 100 है, 100 में से 20 लोगों ने अपने संयम को संयमित रूप से कर लिया, अरे 80 लोग हैं नहीं कर सकते, हमारे युवक नहीं हो सकता। आप खुलाने वाली बातें कर रहे हैं, आप अडानी जी के ये ट्रेनिंग सेंटर तैयार करवा रहे हैं, है? आप ये क्या करवा रहे हैं, किस दिशा में भारत को ले जाना चाह रहे हैं? युवाओं को तो विपक्ष भी समझा सकता है, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये हमारा फर्ज है। हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी ने भी अपील की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बात शांति तरीके, जो संविधान में हमको अधिकार दिया गया है हम विरोध करें उस तरीके से वैसे ही करना चाहिए। हमारी पार्टी भी कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा, प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो है हम ज्ञापन देंगे। तो सवाल यह है कि कुछ लोगों को आप कैसे कर सकती हैं? अगर आपके कहने के मुताबिक किसी को कोई बीमारी होनी ही नहीं चाहिए फिर, अरे भाई ये एक समान लक्षण है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तीसरे का बढ़ेगा, नहीं तो फिर किसी को बीपी नाम की कोई समस्या हो ही ना, हिंदुस्तान राम राज्य में पहुंच गया है। अरे आप गुस्सा दिलाओगे, आप ऐसी बातें करोगे और कहोगे कि आप हरकत न करें, अजीब बात है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद विपक्ष से यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से छात्रों को समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम है अगर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और बहुत ज्यादा कुछ गलत हो रहा है क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी गलत है, अगर विपक्ष नौजवानों को समझाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, मेरा मैडम अगर बोलिए कुछ ऐसा करते कि ये 4 साल की योजना को इसको डिग्री में ही कन्वर्ट कर देते, एक तरीके की ये डिग्री मानी जाएगी, अगर कहीं सी राज्य में पुलिस की भर्ती होगी तो पुलिस में भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि अग्निवीर। चलिए बहुत कुछ आप ऐसा करते संजीव जी, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण भी दे रहे हैं और आपके पास इसके ऑप्शंस भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष हमारे पास ऐसा है कि उसके पास ऑप्शन है कि क्या करना चाहिए था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन जो आगजनी हो रही है वो वाकई देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है और युवाओं के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंदिरा ज्योति साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो अग्निपथ को लेकर हर जगह बवाल मचा हुआ है, आगजनी 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 नजर आ रही है, छात्रों को स्कीम समझ नहीं आ रही है या सरकार समझाने में विफल है, ये तो वक्त बताएगा कि कब तक सरकार समझा पाती है नौजवानों की कि ये स्कीम उनके लिए महत्वपूर्ण है या फिर ये अग्निपथ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा।
फिलहाल फिर इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।